चैप्टर थ्री क्लास टेंथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 पार्ट नंबर 4। प्रथम विल यू स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। प्लेसेस ए एंड बी आर 2 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डिस्टेंस सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स? Right. So x or y क्या लेंगे प्रथम? What should I take as x? What should I take as y? जी हाँ। The speed of first car be x and second car be y. Let the speed of car A x hours. जी हाँ। Speed should be in hours. Kilometer. Yes, किलोमीटर पर आ, शायद मैंने नहीं सुना। एंड येट द स्पीड ऑफ कार बी इज y किलोमीटर पर आर। इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमें गिवन है दैट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 100 किलोमीटर। ठीक है, ओके। यू वन फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या फर्स्ट जो लाइन है उसके बाद सबके बाद वो क्या बता रहा है? इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, वो वाला जो लाइन है उसका क्या मतलब है? क्या समझ में आया आपको उससे? मैम, ए एंड बी कार आर ऑन अ हाईवे एंड बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू गो इन वन डायरेक्शन, जस्ट यस मैम, एंड दे आर गोइंग टू गो इन वन डायरेक्शन सी आई गेस। राइट, लेट्स अज्यूम इट ऑन द राइट साइड। रुक जाओ, बस अभी इसी की बात करते हैं क्योंकि एक इक्वेशन यहाँ से ही बनेगी। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से ही बनेगी। ओके, यस मैम। आदित्य, केस वन में बेटा ए कितना डिस्टेंस कवर करता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए हाउ मच इज दैट? कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल कर रहा है आदित्य? ए ए से लेकर फिगर बोर्ड पर बनी हुई है, आपको दिख रही है? ये दोनों सेम डायरेक्शन में यानी दोनों राइट साइड पर ट्रेवल कर रहे हैं और सी पे सपोज वो मिल जाते हैं तो ए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? एसी। डिस्टेंस कवर्ड बाय बी? बीसी। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है मान्या? डिस्टेंस कितना है एसी? टाइम कितना लगा है? 5 आवर्स। और स्पीड कितनी है? क्लियर है सबको? यस मैम। विराट, बीसी की वैल्यू, जो बीसी डिस्टेंस है कितना समय लग रहा है? 1 आवर। विराट, इस क्वेश्चन में 5 घंटे में जाके मिलते हैं वो दोनों, 5-5 घंटे एक ही साइड पे चलते जाते हैं तब जाके वो सी पे मिलते हैं। अच्छा, तो भी तो 5 ही घंटे चलेगा। यस मैम। ठीक है, मैं वो बाद में 1 आवर दिखा था इसलिए। उसकी स्पीड कितनी है? मैम y किलोमीटर पर 5y, तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा 5y। ठीक है, क्या इस फिगर को देखकर आप कोई इक्वेशन बना सकते हैं शिवांक? यस मैम। कैसे?
मैम 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100. वेरी गुड, बिकॉज़ एसी माइनस बीसी इज इक्वल टू एबी. एसी कितना है 5x माइनस बीसी है 5y और एबी हमें गिवन था 100. 5 से डिवाइड होते हैं सारे, सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20. क्या ये फर्स्ट इक्वेशन सभी को क्लियर है? यस मैम. ओके नव्या, सेकंड केस में क्या हो रहा है? दिस इज केस वन. सेकंड केस में ए और बी कैसे ट्रेवल कर रहे हैं? मैम इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर. यानी कि सपोज वो यहाँ पे मिल जाते हैं. यस, की बार वो क्या हो रहा है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. यस मैम. ठीक है, तो अब मुझे बताइए एसी की वैल्यू कितनी होगी? मैम एसी विल बी एक्स माइनस एसी, सिर्फ एसी. एसी यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी स्पीड इनटू टाइम. यस मैम, सो इट विल बी स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 1 into 50. 1 into x बेटा. Okay, yes, ma'am. I was thinking 100 kilometer as the distance. Yes, ma'am. मैं यहाँ बना दूंगी सी. यो, आधा आधा नहीं करती. Yes, ma'am. ठीक है, बट अब ये मत बोलना ये 75 और ये 25. Yes, ma'am. एसी स्पीड टाइम इनटू स्पीड या स्पीड इनटू टाइम. दैट मींस एक घंटा, इनको एक घंटा लग रहा है यहाँ पहुंचने में. तो टाइम कितना है 1 आवर और स्पीड कितनी है एक्स. कैन आई से दिस टू बी एक्स? यस मैम. जिया गिव मी द वैल्यू ऑफ बीसी. मैम 1y. जसलीन क्या यहां से आप कोई इक्वेशन बना सकते हैं? यस मैम. क्या? 1x माइनस 1y इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर. माइनस, सॉरी मैम, प्लस. सी गाय, एसी प्लस बीसी इज एबी. एसी और बीसी को जोड़कर ए बी बन रहा है इसमें. ठीक है, और यहाँ पर एसी में से बीसी माइनस कर दूं तो ए बी बनता है. सो एसी प्लस बीसी इज ए बी. दैट मींस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. ओके, आई वांट यू टू नोट दिस डाउन. ये भी जरूर फिगर नोट कीजिएगा, आगे जाके आपको दोबारा समझना होगा. तो दिस आंसर विल हेल्प यू. आप इसको नोट करें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं. जल्दी से नोट करिए. नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज टू सॉल्व दीज इक्वेशंस. दीज वर द टू इक्वेशंस वी गॉट. एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर रहे हैं. अगर हम ऐड कर देंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा. सो एडिंग द इक्वेशंस. ये कट जाएगा. x प्लस x इज 2x एंड दिस इज 120. सो x कम्स आउट टू बी 120 अपॉन 2 व्हिच इज 60. नाउ वी हैव पुट दिस वैल्यू. x इज इक्वल टू 60. किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, मैं फर्स्ट में डाल रही हूँ. सो आई कैन से पुट x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1. 60 माइनस y इज इक्वल टू 20. y को इधर ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, 20 को इधर ले आते हैं नेगेटिव हो जाएगा. 60 माइनस 20 इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू 40. लास्ट में हम अपना आंसर ऐसे नहीं देते x इज 60 y इज 40. एक वर्ड प्रॉब्लम का आंसर वर्ड्स में ही दिया जाता है. सो स्पीड ऑफ कार ए 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार बी 40 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. And this is a very important question as well.